कहा था ना मैंने कि भक्त मेरी एक भी बात नहीं टाल सकती। अभी एक काम करो, एक अच्छी मेहंदी वाली ढूंढ लो और सजा दो अपने हाथ। आज एक स्पेशल डे है और मुझे एक खास जगह जाना है। मीरा, आज पूर्णिमा है और तुम जानती हो भक्त क्या कहती है कि पूर्णिमा के दिन अलग अलग जाति धर्म के लोग तिम्मूर धैया जाते हैं धागा बांधने। हाँ, अरे अपनी मन्नतें लेके जाते हैं वहाँ पे, अपनी विशेष लेके। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं भी वहाँ चले जाता हूँ, भक्त और होने वाले बेबी की सेहत के लिए विशेष मांग लूंगा। हाँ, वीडियो कॉल करूंगा रात में। ओके, अभी रखता हूँ, चलो बाय। बार बाबा की कुर्सी पे बैठने जा रही हूँ। अल्लाह मियाँ, बस कोई गलती ना हो जाए मुझसे। भक्स को दुनिया की सारी खुशी देना भगवान, उसके प्रेगनेंसी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। भक्स और आने वाला कोलू हमेशा हमेशा खुश रहे। तो धागा खुला रह गया। अरे सुनिए, मैं ही बांध देती हूं। अल्लाह मियां करे इसकी दुआ पूरी हो। सफालजिया, मतलब अब मैं दुश्मनों की मुरादें पूरी करवा रही हूं। अगर पहले पता होता ना तो इसका धागा और लूज कर देती। कोलू आज कितना सोएगा, वरना तो हर आधे घंटे में लात मारता है। आज क्या हुआ है तुझे? 2 घंटे से कोई हलचल ही नहीं है। ओ! नवेली! जी जी। तूने बड़े दिन लगा दिए। हाँ जी जी, देखो शॉपिंग 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 शॉपिंग।
दून की सारी दुकानें छानने के बाद तुम्हारे लिए ऐसी साड़ी लेके आई हूँ ना, जिसे पहन के तुम बिल्कुल दीपिका लगोगी। तेरी तो चॉइस ही अच्छी है, तो कुछ भी लाती ना मुझे अच्छा लगता। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, ये देखो आज मैंने बालों में सिस्टीन कराया है। हाँ अच्छे लग रहे। तो आज एक टिकटॉक तो बनती है, वो भी तुम्हारे साथ। ना बाबा, चलो ना। चलो रेडी हो जाओ जल्दी से। नवीन ना, मुझे ये सब कहाँ आता है, तू कर ना, मैं देख रही हूँ। आओ दीदी। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ दी। मुझे कुछ तेरा दिमाग खराब छा, 8वां महीना चल रहा है उसका, कैसे घुमा रही है उसे। दुनिया के पहले जीजा साली देख रहे हो जिनकी बिल्कुल नहीं बनती। हाँ तो इनसे बनाना भी कौन चाहता है। अरे तो मुझे भी कौन सा तुझसे बात करने का शौक है बल, लेकिन एक बात सुन ले, सरस्वती को अगर कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अच्छा सुन, चल मामा मामी से तो मिल ले, वो कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चल चल, तू जा, जाकर अपने बाबा से मिल ले। हाँ जीजी, मैं भी आती हूँ। गोलू क्या हुआ है तुझे? गोलू तूने 2 घंटे से लात नहीं मारी, तू ठीक तो है ना? भाग्स, तू जानती मीरा इतना खुश क्या, वो तो परेशान क्यों लग रही है, क्या बात है? नील तू देख ना, काफी टाइम हो गया लेकिन कोलू की कोई हलचल ही नहीं हुई है। क्या? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये कोई आम बात नहीं लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हाँ तो मुझे फोन करना चाहिए था ना, क्या हो गया तुझे? चल मेरे साथ। अरे क्या कर रहे नील, क्या कर रहा है? मैं खुद चल सकती हूँ ना, उतार मुझे नील, उतार मुझे, मैं चल सकती हूँ। नहीं हमें रिस्क नहीं ले सकते, गोलू भी तेरे साथ है, तुझे हॉस्पिटल चलना है, चुप बैठ। चुप नील, लेकिन चुप बैठ, मैंने बोला। कि नील ऐसे सरस्वती को उठा के कहाँ ले जा रहा है? प्रेशर क्वीन एलिजाबेथ को पहली बार थ्रोन पे बैठने पे हुआ होगा ना, सेम उतना ही प्रेशर मैं आज महसूस कर रही हूँ। आई जस्ट होप मैं बाबा का नाम मिट्टी में ना मिला दूँ। हाँ बाबा, हर पेशेंट से स्माइल करके बात करूंगी। अम्मी आप भी ना, आपके सारे गहनों को मिलाकर मैंने आपको एक विंड चाइम का रूप दिया है, पता है कितना संभाल के लेके चलती हूँ मैं आपको, कहीं आप टूट फूट ना जाए। क्या अम्मी आप है कि मेरी एंजाइटी बढ़ा रही, आपको तो मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अच्छा अम्मी आप मेरा एक काम करें, अल्लाह मियाँ तक मेरी एक रिक्वेस्ट पहुँचा दें। आज इस क्लिनिक में मेरा पहला दिन है, एंड आई जस्ट होप मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ बाबा, शुक्राने की 2 रकात नफिल पढ़ लूंगी। डॉक्टर डॉक्टर, अक्स कुछ नहीं होगा, रो मत, मैं हूँ तेरे साथ, रोना मत, मैं हूँ तेरे साथ, कुछ नहीं होगा।
अरे कोई डॉक्टर है यहाँ पे? ओ हेलो, कोई है? तुम? आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ? तुम हो गई कोई क्लर्क या सोशल वर्कर? प्लीज किसी डॉक्टर को बुला जल्दी। वही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ही डॉक्टर हूँ। ओ भयंकर, तुम डॉक्टर हो? शकल से मुझे जूनियर है तो स्टूडेंट लग रही हो। मुझे किसी सीनियर डॉक्टर से मिलना है, किसी को बुलाओ जल्दी। लेकिन इन्हें हुआ क्या है, तकलीफ क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं तकलीफ क्या है? तुम्हें बताने से मेरे कोई फायदा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं। मैडम, मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसके पेट में 8 महीने का बच्चा है। लेकिन आज सुबह से बच्चा, वो क्या बोलते हैं, वो पेट में क्या करते हैं बच्चे, वो किक 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 नहीं मार पा रहा। तुम्हें इतना तो पता ना कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो बच्चा किक मारता है पेट में, लेकिन आज सुबह से किक महसूस नहीं हो रही। मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम ना समझो, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे सीनियर डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर, अरे कैसा हॉस्पिटल है ये? यहाँ किसी पेशेंट को इमरजेंसी में लाया गया है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। डॉक्टर, एक मिनट, मुझे इन्हें एग्जामिन तो करने दे। छूना मत मेरी बक्स को। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन का इलाज कोई जूनियर डॉक्टर करे। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, किसी सीनियर को बुलाओ। अगर मेरी भक्स को कुछ हो गया ना, तुम सब जेल जाओगे। मैं हॉस्पिटल के खिलाफ केस ठोक दूंगा, जेल जाके चक्की पीसोगे सबके संग। शांत। बच्चा बिल्कुल ठीक है। इनका एमनियोटिक सैक थोड़ा बड़ा है, इसलिए जब बच्चा मूव करता है तो कभी कभी किक महसूस नहीं हो पाती। चलिए, आप बाहर जाके इंतजार करें, मुझे इनका प्रॉपर चेकअप करना है। अनिल, तू चिंता मत कर। तू ठीक है ना? हाँ। फिक्र ना करे, सब ठीक है। ऐसे कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? इन्हें तो नहीं है, लेकिन आपको बहुत जरूरत है। मुझे क्यों? कितना गुस्सा करते हैं आप, जानते हैं? इतना गुस्सा करने की वजह से आपको हाइपरटेंशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रोक, हाइपरवेंटिलेशन और यहाँ तक ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। इससे बचने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है। जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो जोर जोर से सांसें लें और उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। और उससे क्या होगा? अब आप खुद करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। जाइए बाहर जाके अपनी उल्टी गिनती की प्रैक्टिस करें, मैं पेशेंट को एग्जामिन कर लेती हूँ। मैं यही वेट कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज आप बाहर जाइए। गॉड, सर दर्द। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? वो डॉक्टर बेग को देखा नहीं था तो मैं घबरा गई थी, पर अभी तुमसे बात करके मुझे संतुष्टि महसूस हो रही है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आपकी एंजाइटी देख के मालूम पड़ता है कि आपका पहला बच्चा है। वैसे कोक में जो है वो मेरा पहला बच्चा है, लेकिन वैसे दूसरा। क्या मतलब? जिस गुस्सेल बिकड़ेल को तुमने डांट कर बाहर भेजा ना, खून से तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन माँ की तरह पाला है मैंने उसे। रियली? फिर तो मुझे आपके पास ही कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर बचपन में एक जोर का तमाचा मारा होता ना, तो आज इतने जिद्दी नहीं होते ये। पर आपने तो बहुत अच्छे से उसको डांट फटका कर बाहर भेज दिया ना, उसकी बोलती बंद कर दी। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मेरे लाडे ने जिस लड़की को पसंद किया ना, उसमें आपकी तरह उसे नियंत्रण करने का गुण हो। जय भोलेनाथ। भक्स और गोलू की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, संभाल देना सब कुछ, रक्षा करना उन दोनों की। चाहत, क्या हुआ बेटा? सरस्वती, तुम ठीक तो हो ना? अब ठीक हूँ। क्या हो गया तुम्हें? फॉल्स अलार्म बाबा, फीटल मोमेंट महसूस नहीं हो रही थी, पर डॉपलर पे तो हार्ट रेट एकदम ठीक दिख रही है। Hmm,
गुड. थैंक यू बाबा. योर सिस्टर इज फाइन नाउ. बात बताओ फिर, वहां पैनिक क्यों क्रिएट करी थी तुम? अगर बेबी पोजीशन चेंज करा है, बच्चा पोजीशन चेंज करा है, तो पहले बताना चाहिए ना. एक तो पेशेंट पहले से डरा हुआ है और तुम जैसे नौसिखिए डॉक्टर को देखो तो और डर जाएगा. सही कह रहा हूँ मैं, इंसानों को ना 40 के पहले डॉक्टर की सर्टिफिकेट देनी नहीं चाहिए. बिल्कुल चुप, वरना फिर से मुंह पे टेप लगा दूंगी. और मैं पैनिक क्रिएट करी थी? आप आए इतना शोर मचाते मचाते कि अब मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है. आप में इतनी भी सेंस नहीं है, किसी प्रेग्नेंट लेडी के सामने चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए. और अगर ऊपर वाले पे इतना भी भरोसा नहीं है तो क्या फायदा टीमू दहिया पे धागा बांधने का? भरोसा है. एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं तिमूर दहिया गया था धागा बांधने? अच्छा, तो तुम मेरा पीछा कर रही थी. एक्सक्यूज मी, मैं भी वही धागा. एक मिनट, मैं क्यों आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ? वैसे जो आपने मुझे सरदर्द दिया है वो क्या कम है? ताकि ये सरदर्द माइग्रेन ना बने, अब एक लारडॉन खानी पड़ेगी. एक मिनट, मैं तो खा लूंगी. एक काम करें, ये आप रखें, जब भी किसी से मिलेंगे तो उसे खिला देना, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड को. ओह गॉड, उस बेचारी को तो जिंदगी भर ये गोलियां खा के जीना पड़ेगा. एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरी गर्लफ्रेंड है? वो आपकी बहन ने बताया था. खैर, आप अपनी बहन को इतना स्ट्रेस ना दिया करें. हाँ, स्ट्रेस नहीं दूंगा मैं उसे. बस भोले बाबा, भक्स की प्रेगनेंसी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए. प्लीज सब संभाल लेना, प्लीज. आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा. वैसे भी मेरे बाबा का रिकॉर्ड है, आज तक एक भी केस उनके हाथ से कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है. इंशाल्लाह. डॉक्टर बेक. ओ भयंकर, तुम्हारा नाम चाहत बेग है? हाँ. तुम मुसलमान हो? तो कोई एलियन थोड़ी ना हूँ. अरे हंसने वाली क्या बात है? अरे हंसने वाली बात तो है. तुम्हें याद है वो बस वाला इंसिडेंट? मैंने क्या कहा था कि तुम मेरी पत्नी हो. तेरी सगी लगती है क्या? मेरी पत्नी है ये, लेकिन असल में तुम एक मुसलमान हो. अगर मेरा परिवार यहाँ होता ना तो तलवारें निकल आती. तलवारें क्यों? जुलूस को भी अभी जाना था. अब कब तक पैदल ढूंढूंगी भाई बहन को? भोले बाबा की, भोले बाबा की, हर हर महादेव. यार भाई, ये नील किस पुली के साथ घूम रहे? अरे तुम बताओ ना, तलवारें क्यों निकलेंगी? वैसे मैंने कभी रियल लाइफ में तलवारें नहीं देखी. हैवी होती होंगी ना? अरे बताइए ना, क्यों निकलेंगी ये तलवारें? अरे बार बार ये सवाल क्यों पूछ? Bugs. Bugs, 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 Bugs. सब ठीक है ना? क्या किया सीनियर डॉक्टर ने? सब ठीक है कि नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. पक्का? हाँ. तो इतनी चिंता क्यों करता है? लड़की सरस्वती के पैर क्यों छू रहे हैं? तारी देवी देखनी चाहिए. अच्छा, तो ये लड़की नील की गर्लफ्रेंड है.